तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे गए हैं और इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों इसके लिए आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखना होगा पूरी तरह से अंतिम समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको समझ में आ पाएगा। देखिएगा आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 20 यहाँ पर आप सब लोग इसको देख सकते हो पूरी तरह से। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या दोस्तों 4 होगी, पूर्णांक होगा दोस्तों 70 अंकों का। आप सभी लोग दोस्तों यहां से इसको देख ले समझ ले, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर कुछ आपका परीक्षाओं में बनकर आएगा। तो चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और इस सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, A to Z क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में इस हिसाब से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा भौतिक शास्त्र विषय का और इसकी तैयारी आपको किस हिसाब से कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को अंतिम समय तक देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सोल्यूशन को। तो देखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, पहले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। देखिएगा क्या लिखा है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। देखिएगा दोस्तों रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना। देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों चौथे नंबर का, आप लोग यहाँ से लिख ले, कूलोम होता है दोस्तों। उसी के अलावा दोस्तों ख नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र है। देखिएगा दोस्तों ख नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें से दोस्तों आपको ये लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों गा नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों गा नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दोस्तों आपको ये लिख लेना अनंत। और उसी के अलावा दोस्तों घा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका भी दोस्तों आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा बढ़ता है। और उसी के अलावा दोस्तों अणा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा आप लोग इसको देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा ऑस्ट्रेट ने। और उसी के अलावा दोस्तों चार नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है आप सब लोग इसको देख सकते हो, चार नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी दोस्तों आपका चौथे नंबर का आ जाएगा अनंत। और उसी के अलावा दोस्तों छः नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, देखिएगा क्या लिखा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका तीसरे नंबर का आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहां से इसको देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति इस जगह से आपसे पूछी गई है, आप सब लोग दोस्तों इस जगह से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, परिपथ में प्रेरित धारा परिवर्तन के कारण होती है, तो देखिएगा यहां से आपको लिख लेना चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय और आगे आपका आ जाएगा दोस्तों फ्लक्स के कारण होती है, चुंबकीय फ्लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श प्रेरक तत्व का ओमी प्रतिरोध होता है। खा नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों इसमें आपको लिख लेना शून्य होता है, कितना होता है दोस्तों शून्य आपको यहां से लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है। गा नंबर का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो इस जगह से आपको लिख लेना दोस्तों शून्य होती है दृष्ट धारा की आवृत्ति। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, देखिएगा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। घा नंबर का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ से आपको लिखना है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अणा नंबर का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ से आपको लिख लेना अनुप्रस्थ कैसी तरंगे होती है, दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, आप इस जगह से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, भू स्थायी उपग्रह की आवर्त काल घंटे होता है। चार नंबर का क्वेश्चन दे रखा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना 24 घंटे होता है दोस्तों, कितना घंटा 24 घंटे। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, हीरे का चमकना परावर्तन की घटना है। देखिएगा ये जो छः नंबर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों इसमें लिख लेना आपको पूर्ण आंतरिक, हीरे का चमकना दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है, आंतरिक परिवर्तन की घटना है।
उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आप सबसे क्या पूछा गया दोस्तों, सही जोड़ी का मिलान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी का मिलान आप सबसे पूछा गया, देखिएगा यहाँ से पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका इससे हो जाएगा, और तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है दोस्तों इसका मिलान आपको चौथे से कर लेना है, और उसके अलावा दोस्तों घा नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसका मिलान दोस्तों आपको इससे कर लेना है, और उसके अलावा दोस्तों अणा नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसका मिलान दोस्तों आपको छठे से कर लेना है, और उसके अलावा दोस्तों चा नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसका मिलान आपको सातवें से कर लेना है, और इसके अलावा दोस्तों घा नंबर की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका पाँचवें से। तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लें, और उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इनको तैयार कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए, तो देखिएगा दोस्तों धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना शून्य होता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है देखिएगा, सोलर सेल में ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है। ख नंबर का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ का लिख लोगे आप लोग सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, रूपांतरण होता है ये। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलियन सूत्र द्वारा कौन सा लॉजिक गेट प्रदर्शित किया जाता है। गा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आपको लिखना है कि कौन सा गेट प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ से आपको दोस्तों लिख लेना है नॉर गेट प्रदर्शित किया जाता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। घा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है ई और इज इक्वल टू, और आगे आ जाएगा दोस्तों आपका एच यू, ई इज इक्वल टू और एच यू यहाँ से आपको लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य फलन तथा देहली तरंग देर का संबंध लिखिए। आणा नंबर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू, और इसके अलावा दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पर एच सी, और बटे में दोस्तों आपको लिख लेना है ये कुछ इस प्रकार से चिन्ह बना के, और यहाँ पे आपको लिख लेना दोस्तों जीरो। तो आप इस प्रकार से दोस्तों इसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसी के अलावा दोस्तों ये समझ लेने के बाद में चार नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखिएगा चार नंबर में दोस्तों आपको लिख लेना डायाप्टर, डायाप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला छः नंबर का क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों छः नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है ये लिख लेना आप लोग यहाँ से, नहीं होता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों आगे आप सभी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग दोस्तों इस जगह से इनको देख पढ़ो नोट कर सकते हो। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, अनुगम वेग से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र किस किस प्रकार से, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर ना दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के बनकर आएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया है। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको पूरा तैयार कर लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।